कुंडली मिलान जो कि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, उसके अंदर आप लोगों को देखना क्या है वो ही नहीं समझ में आता। आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो खुद इन सिचुएशन से बाहर आया है वो ही आपकी मदद कर सकता है, जिसको रियली नॉलेज है, जो PhD है। जैसे कुंडली मिलान बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओम नमः शिवाय। आपका मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है, नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। मैं आपका होस्ट आकाशदीप बत्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नीचे जो लाल बटन है, और साथ में लगी घंटी को भी ज़रूर दबा देंगे, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो रिलीज़ होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। मैं दुनिया का पहला नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, जो मैंने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिससे पूरी गणना और प्रडिक्शंस एकदम एग्जैक्ट आती है, फिर भी 90% हम लेकर के चलते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो उनसी होती है वो एक प्लेसमेंट ऑफ हाउसेस और दोष योगों से बनी हुई पराशर जी की है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और लाल किताब बनाने वाले भी डिफरेंट मोड्स और रूल्स पे चलते हैं, उनके भी फरमान होते हैं। इन तीनों एस्ट्रोलॉजीज को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, और जो भी मैं प्रडिक्शंस करता हूँ कोई चीज़ रह जाती है तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल क्लियर कर देती है। तो नेगेटिव प्लैनेट कौन सा है, पॉजिटिव प्लैनेट कौन सा है, नाड़ी के अंदर आकर के फाइनल पता चल जाता है। अगर वैदिक में आपको किसी ने कहा है कि सूर्य तुला राशि में नीच का है, और अगर वो 9वें घर में बैठा है तो भाग्यहीन होंगे आप, और अगर वो 7वें घर का लॉर्ड है तो आपकी मैरिज नहीं होगी, तो एक बार ऊपर लिखे नंबरों पे मुझसे जरूर बात करें। आपका वही सूरज बलवान हो जाएगा नाड़ी के अंदर, और सूर्य की दशा आने पे आपके हर काम हो जाएंगे, ये मेरा आपको भरोसा है। जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स मैंने डाले हैं, हम लोग इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन से, जरूरी नहीं है कि वो लाखों के हों, कुछ हजारों में भी वो स्टोन्स आते हैं और उससे आपका जो है प्लैनेट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। अब पहले हम लोग थोड़े उपाय बताते हैं, जैसे कि अगर केतु खराब है तो कुत्ते को फीड करें आप, पाल लें, और अगर चंद्रमा खराब है तो माता की सेवा करें और या दूध का दान करें। ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग बताते हैं जो कि बड़ी इजी हैं, जो कि आपको 43 डेज भागना नहीं पड़ता इधर उधर और चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। आज के इस वीडियो में हम आज उस बारे में बात नहीं करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कोई भी अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी सीरियस से सीरियस प्रॉब्लम, तो आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितने भी वाता पित्ता काफा दोष है उसका ट्रीटमेंट छुपा हुआ है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स। चाहे वो हर्निया है, चाहे वो टिनाइटस है, चाहे वो विटिलिगो है, फुलवेरी जिसे बोलते हैं, या एक्जिमा है, वेट एक्जिमा या ड्राई एक्जिमा, या दुनिया की हार्ट एलिमेंट्स है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स। एक वही एकमात्र रेमेडी है जो सबसे ज़्यादा कारगर है आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो वाता पित्ता काफा दोष के जो बैलेंस करती है चक्रास को, प्राणायाम भी करती है, परंतु उससे सबसे ज़्यादा तेज जो है स्टोन्स की कॉम्बिनेशन है। स्टोन असली होना चाहिए, जरूरी है कि वो लाख रुपए का स्टोन हो या 50,000 का एक स्टोन हो, 5,000 के एक स्टोन से भी वो काम हो जाएगा आपका। तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुंडली मिलान जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, उसके अंदर आप लोगों को देखना क्या है वो ही नहीं समझ में आता। आप लोग इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स वकील पढ़ा है, और उसी से ही मैं गणना करता हूँ। कुंडली मिलान बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब जैसे नीचे हाउसेज आ रहे हैं, आप देख सकते हो इन हाउसेज में जो सेकंड हाउस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है फूड हैबिट्स का, लड़का और लड़की दोनों का जानने के लिए कि वो फूड हैबिट्स क्या करते हैं। कुंडली मिलान का मतलब गुण मिलाना नहीं होता है। 36 में से 36 गुण वालों को मैंने डिवोर्स होते हुए देखा है और बुरी तरीके से लड़ते हुए देखा है। पहले ही दिन लड़ लेते हैं, दूसरे तीसरे दिन डिवोर्स हो जाता है, लड़की भाग जाती है घर से, क्योंकि सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज नॉट गुड। द सेक्सुअल बिहेवियर वो पंडित जी नहीं बता पाएंगे आपको कि सेक्सुअल बिहेवियर क्या कर सकता है लड़का। आजकल बच्चे पॉर्न मूवीज देखते हैं उसी हिसाब से आप लोगों को ट्रीट करते हैं। जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं ध्यान से प्लीज
मैं आपसे गुजारिश करूंगा 500 रुपये खर्च करके पंडित जी के पास जाने की बजाय एक बारी ऊपर लिखे नंबरों पे मुझसे बात कीजिए, जो नंबर फ्लैश आउट हो रहा है। आपकी गाइडलाइन होगी कुंडली मैच। सेकंड हाउस फूड हैबिट्स का है, ड्रग्स लेता है, शराब पीता है। कोई भी लड़का अगर आपका बॉयफ्रेंड भी है, आपको कभी भी नहीं बताएगा कि वो ड्रग्स लेता है या शराब पीता है। वो आपके सामने 2 घंटे 1 घंटे आता है, उसके बाद वो हल्की सी बियर भी पी लेगा अगर, या जाने के बाद उसको सेलिब्रेट करेगा, या कितनी शराब पीता है, कितना स्मोक करता है, आपको नहीं बताएगा, वो कभी भी नहीं बताएगा। शादी के बाद पता चलेंगी ये बातें, पर एक बारी कुंडली लोगों ने। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर हेल्थ ही खराब होगी आगे तो आप बच्चे के साथ कैसे जिंदगी बिताएंगे। सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस होता है पार्टनरशिप का, मैरिटल डिस्कॉर्ड्स का, कि अगर वहां राहु केतु या कोई भी ऐसा प्लेनेट है या नक्षत्र है या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम देखते हैं सेवंथ हाउस को, अगर वो भी खराब है या लड़का हो या लड़की हो, तो आपके साथ उसकी कभी भी नहीं बनेगी। दूसरे तीसरे दिन या साल के अंदर अंदर वो लड़का या लड़की भाग जाएंगे, एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे। तो सेवंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिवोर्स के लिए 1, 6 एंड 10 जो कि 12th हाउस होता है, 2, 7, 10, 2, 7, 11 का, उसको हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का रूल भी है कि अगर आपका जो हाउस बेनिफिट दे रहा है, सेकंड हाउस फॉर फैमिली, 7 फॉर सप्ताब्दी, 7 स्टेप्स एंड 11 इज इट्स गेन, तो 1, 6 एंड 10 जो उसके 12th हाउस है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1, 6, 10 आ रहा है उस दशा पीरियड में और 2, 7, 11 भी आ रहा है, शादी हो गई तो डिवोर्स होगा ही होगा। तो ये चीज देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बच्चे के अंदर डिवोर्स के कितने टू द हाउसेज, अकॉर्डिंग टू द नाड़ी एस्ट्रोलॉजी उस दशा पीरियड में, जैसे राहु की चली या जुपिटर की चली या मरकरी की चली, उसके अंदर हम मैरिज का इवेंट निकालेंगे। मैरिज के इवेंट में अगर 2, 7, 11 आ रहा है, तो अगर 1, 6, 10 बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उस दशा पीरियड में उस बंदे का डिवोर्स होके ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही 10th हाउस है स्टेटस, नेम, फेम, 11 इनकम, करियर। ऐसे ही 9th हाउस है भाग्य का, उसके बाद उनकी हेल्थ का हमने देखना है। 8th हाउस देखना है अनअर्न्ड मनी, डॉरी सीकर उस तो नहीं है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें देखनी है। ऐसी सिमिलरली वाइस वर्सा लड़की की कुंडली में भी देखना होता है। 5th हाउस प्रोजेंसी का होता है कि वो बच्चों को कितने बार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बच्चे के जन्म में, या कोई चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर राहु केतु बैठा है लड़की के 5th हाउस में, तो बच्चा बहुत मुश्किल से होगा। अगर राहु केतु आमने सामने हैं, कुछ हाउसेस ऐसे हैं जहाँ पे राहु आमने सामने होते, तो बच्चा ऑपरेट होके आता है और बड़ा डिले होता है उसकी मैरिज, उसके बच्चे के चाइल्ड बर्थ में। फिर उसका एग्रेशन, फूड हैबिट्स, लड़कियों को भी आजकल ड्रग्स लेने की आदत है, शराब पीने की आदत है, नहीं रुक सकती, तो वो सारी चीज़ें हमने उनमें भी देखनी है। करियर, इनकम, सेक्सुअल बिहेवियर, एग्रेशन, डिप्रेशन। एग्रेशन के लिए हमारे को 2, 1, 6, 8 हाउस देखना होता है कि वो आ रहा है दशा पीरियड में। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बहुत इजी हो जाता है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर दशा पीरियड आ रही है तो 2, 1, 6, 8 है, तो सेंटीमेंटल लड़का भी होता है या सेंटीमेंटल लड़की भी होती है, तो ऐसे लड़के सुसाइडल थॉट्स भी रखते हैं और आपको फंसाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हैं या बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर 2, 7, 11 लगातार चलता जा रहा है किसी दशा में, और सामने वाले की भी दोनों की कुंडली में 2, 7, 11 है, तो ऐसे लव बर्ड्स को हम सलाम करेंगे, दोनों की बहुत अच्छी जिंदगी जाएगी। तो ये सारी चीजें देखनी है आपने कुंडली मिलान के अंदर। गुण कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि गुण 36 में से 36 गुण भी डिवोर्स में, 90% केसेस हमने देखे हुए हैं कि 30 में से 30, 36 में से 30 या 32, 33 गुण मिलने वाले बच्चों के भी डिवोर्स हो रहे हैं। तो जो हमने चीज बताई है आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली मिलान के लिए, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज कॉन्टैक्ट एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर फॉर दीज ऑल थिंग्स। अब वो कितने पैसे लेता है, कोई 3,000 लेता है, कोई 2,000 लेता है, आपको उसमें भी देने में भी प्रॉब्लम होती है, तो गाइडलाइन कैसे मिलेगी? एक अनपढ़ इंसान से आप गाइडलाइन ले लेते हो और शादी कर लेते हो, इतना बड़ा फैसला है ये, सोच के देखिए आप। तो जितने पेरेंट्स हैं या बच्चे वॉच कर रहे हैं, तो मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुंडली मिलान क्या चीज़ होती है, ये दोनों की कुंडलियाँ, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस से हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस लेते हैं, तब जाकर के हम दोनों की चीज़ों को देखते हैं और वो आपके सामने हम बताते हैं कि ये बच्चा एजुकेशन में ठीक है, करियर में ठीक है, उनमें ठीक है, या इस चीज़ में ख़राब है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, तो आप खुद बताएंगे हाँ जी हमने उसको महसूस किया। और अगर आपकी अरेंज मैरिज है, जो कि जिसके ये चांसेस आजकल बहुत कम होते हैं, 30% अरेंज मैरिजेज होती हैं और 70% लव मैरिजेज होती हैं,
तो लव मैरिज में काफी बिहेवियर पता होता है, तो हम आप मुझसे वो टैली कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग सेक्स आपका वो बिहेवियर कैसा कर रहा है, कहीं रूड बिहेवियर तो नहीं है उसका, क्योंकि आजकल मेरे को बहुत कंप्लेंट्स मिली हैं लड़कियों की, सर रूड बिहेवियर है उसका जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनको पता नहीं क्या चाहिए पॉर्न मूवीज देख देख के, तो वो मेरे बस का नहीं है। तो ऐसा ही लड़की भी है और ऐसा ही लड़का भी, तो यू हैव टू सी दैट ऑल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी मैंने सारी चीज़ें बताई दी हैं आपको, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इस चीज़ को जितना आगे बढ़ाएंगे ना उतना ज़्यादा आपको भी फल मिलेगा और आपके जिनको शेयर करेंगे उसको भी फायदा होगा। तो तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।